प्रीतम नगर में सोमवार शाम बदमाशों ने विद्युत विभाग के कैशियर प्रसून कुमार और गार्ड ज्ञान सिंह को बम मारकर उनके पास से कैश लूटने की कोशिश की। केंद्राचल उपकरण के कैशियर प्रसून कुमार गार्ड के साथ प्रीतम नगर के चिल्ड्रन चॉइस स्कूल के पास स्थित विभाग के मुख्य दफ्तर जा रहे थे। दफ्तर के सामने पहुंचते ही पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने बम गिरा दिया। बम फटते ही कैशियर और गार्ड गिर पड़े। खतरे को भांपकर प्रसून कुमार कैश बॉक्स लेकर सीधे कार्यालय के अंदर भागे। बदमाशों ने दौड़ाने की कोशिश की, तब तक गार्ड ने बंदूक तान दी। इससे बदमाश वहां से भाग निकले। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। लोक सेवा आयोग में भर्तियों की जांच अब भी चल रही है। तब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठ गए। पीसीएस 2015 में कॉपी बदलकर फेल करा दी गई सुहासिनी वाजपेयी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया साक्षात्कार के लिए खुद को न बुलाए जाने पर फैकल्टी रिक्रूटमेंट सेल के अध्यक्ष प्रोफेसर अनुपम दीक्षित से लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सुहासिनी का कहना है कि उनके कम एपीआई वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जबकि किसी अज्ञात कारण से उन्हें नहीं बुलाया गया। प्रोफेसर दीक्षित द्वारा शिकायत पर कोई जवाब न देने से नाराज सुहासिनी अब कुलपति और रजिस्ट्रार के समक्ष मामला उठाने की तैयारी में है। सुहासिनी फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। जगह जगह हुई बेतरतीब खुदाई ने नगरवासियों का जीना हराम कर दिया है। सोमवार को भी नगर भीषण जाम की चपेट में बना रहा। अलोपी बाग से लेकर बालसन चौराहे तक वाहनों के पहिए थमे रहे। इसी तरह सीएमपी डॉट पुल के पास भी जाम लगा रहा। चौड़ी सड़कों वाले सिविल लाइंस का भी हाल कुछ ठीक नहीं था। लोक सेवा आयोग से हीरा हलवाई चौराहे तक शहर जाम में रहा। निरंजन पुल के पास से लेकर अतरसुइया तक भी सड़कों पर वाहन रेंगते रहे। कुंभ मेला क्षेत्र से दारागंज के रेलवे अंडरपास को चौड़ा करने के लिए नगर निगम वीडियो और रेलवे के संयुक्त दस्ते ने सोमवार दोपहर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। इस दौरान दारागंज रेलवे स्टेशन और अंडरपास के आसपास चिन्हित 12 मकानों में से 3 को पूरी तरह ढहा दिया गया। 2 अन्य मकानों को आंशिक रूप से तोड़ा गया। ध्वस्तीकरण क्रिया कार्यवाही मंगलवार को भी जारी रहेगी। प्रदेश सरकार द्वारा हड़ताल अवैध करार दिए जाने और एस्मा लगा दिए जाने के बावजूद लेखपालों की हड़ताल सोमवार को जारी रही। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर रहे लेखपालों ने कहा कि मांगें पूरी होने तक हड़ताल रहेगी। लेखपाल 3 जुलाई से हड़ताल पर हैं। 26 जून से ही आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन करना बंद कर दिया था। लेखपाल संघ के जिला मंत्री राजकुमार सागर ने कहा कि जिले के सभी तहसीलों में आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के 15,000 से अधिक आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं। इस बीच विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने लेखपालों की हड़ताल को अपना समर्थन दिया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सोमवार को राज्यपाल राम नाईक को पत्र लिखकर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग किए जाने की मांग की। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र से पहले सांसद और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने बंबई का नाम बदलकर मुंबई किए जाने में काफ़ी मदद की थी। मैंने उनको पत्र लिखकर लंबे अरसे से इलाहाबाद का नाम प्रयाग किए जाने की मांग की है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाती और प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बीजेपी की सरकार बनने के दिन से ही इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग करने की मांग की हुई है। खुल्दाबाद थाने के सामने स्थित नारी निकेतन से 2 लड़कियां रविवार आधी रात फिल्मी स्टाइल में भाग निकली। इस नारी निकेतन में करीब 25 लड़कियां रहती हैं। नारी निकेतन की सहायक अधीक्षिका बिंदु उपाध्याय ने बताया कि मानसिक रूप से बीमार लड़कियों को 2 कर्मचारी अस्पताल ले गए थे। इस बीच रात करीब 1 बजे फतेहपुर और लालापुर की 2 लड़कियां बाथरूम गई। वहां रोशनदान तोड़ के साड़ी और दुपट्टे की रस्सी बनाई और उसके सहारे छत से कूदकर भाग निकली। फतेहपुर की लड़की 14 अप्रैल को इलाहाबाद लाई गई थी। भारतीय किसान यूनियन की पंचायत के दौरान आयोजक और उसके विपक्षी के बीच मारपीट हो गई। कटभर परवेजपुर में राम खिलावन पुत्र नीमर के द्वारा रविवार को किसान यूनियन की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान ही गांव के राम पदारत, कुलदीप यादव, राकेश कुमार और यमराज यादव लाठी डंडा और बंदूक लेकर पंचायत स्थल पर पहुंच गए। घटना के बाद किसान यूनियन के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और अपनी तहरीर दी। जसरा में सोमवार शाम लकड़ी व्यवसायी शत्रुघ्न लाल केसरवानी और बाबा के दूसरे नंबर के बेटे संदीप केसरवानी की 6 वर्षीय बेटी पीहू का अपहरण करने की कोशिश की गई।
पीहू खनगकिया गली में अपने घर के सामने साइकिल चला रही थी। इस बीच एक युवक पहुंचा और उसे अकेला पाकर पकड़ लिया। मुंह दबाने के बाद उसे लेकर भागने लगा। मासूम पीहू रोती हुई युवक की गोद में छटपटाने लगी। शोर सुनकर आसपास के लड़कों ने अपहरणकर्ता को दौड़ाकर पकड़ लिया, उसको पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया। दबोचा गया आरोपी बारा थाना क्षेत्र के गंभीरपुर निवासी शिवप्रसाद कुशवाहा पुत्र रामचंद कुशवाहा बताया गया। खीरी के एसओ वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि डीरी खुर्द निवासी पंकज शुक्ला आरक्षण को लेकर काफ़ी समय से सोशल साइट्स पर कुछ न कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था। रविवार को उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ फेसबुक पर अपशब्दों का प्रयोग कर दिया। जानकारी मिलने पर चौकी इंचार्ज रामकृपाल ने पंकज के खिलाफ साइबर अपराध, धमकी और मानहानि का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।